नाम कमाने के लिए काफी संघर्ष किया है। आज हम आपको भोजपुरी के कैसे सितारे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके संघर्ष की कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये सितारा कोई और नहीं बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह हैं। पवन सिंह भले ही आज करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन एक समय था जब वो पाई पाई के मोहताज थे। पवन सिंह गरीबी से निकलकर कैसे भोजपुरी के सुपरस्टार बने, ये जानने के लिए देखिए पूरी वीडियो। पवन सिंह, जिनकी आवाज का जादू सिर चढ़कर बोलता है, उन्होंने अपनी लाइफ में काफी बुरा वक्त देखा है। सिंगर होने के साथ साथ वो एक्टर भी हैं और इन दिनों राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज वो जिस मुकाम पर है वहाँ तक पहुँचना कई लोगों के लिए ख्वाब जैसे है। हालांकि सफलता की ये सीढ़ी चढ़ना सिंगर के लिए इतना आसान नहीं था। संघर्ष के बाद उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। एक वक्त था जब दो वक्त की रोटी के लिए भी भोजपुरी के इस गायक को संघर्ष करना पड़ा। काफी कम उम्र में ही इनके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। अपने घर वालों का पेट पालने के लिए पवन ने बचपन में ही काम करना शुरू कर दिया था। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लोग इनके गानों को सुनना पसंद करते हैं। पवन सिंह के गाने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चलते हैं और इनके गानों पर लोग झूम उठते हैं। वैसे तो पवन सिंह के सारे ही गाने हिट साबित हुए हैं, लेकिन लॉलीपॉप लागेलू गाने से उन्हें काफी फेम मिला और वो एक सुपरस्टार के तौर पर उभरे। सिंगर का बचपन काफी तंगी में बीता है, ये बात काफी कम लोगों को पता है कि वो अपने परिवार वालों का पेट पालने के लिए बेहद कम उम्र में ही सिंगिंग का काम करना शुरू कर चुके थे। पवन सिंह अपने चाचा के साथ साइकिल पर बैठकर अलग अलग सभाओं में जाकर गाना गाया करते थे। वहीं कभी जब उन्हें नींद लग जाती थी तब उनकी आंखों पर छींटे मार मार कर उन्हें जगाया जाता था। एक इंटरव्यू में पवन सिंह ने बताया था कि पैसों की तंगी की वजह से उन्होंने एक बार अपने भाई के बटुए से कुछ पैसे चुरा लिए, जिस वजह से उनकी जमकर पिटाई हुई थी। कभी साइकिल से सफर करने वाले पवन सिंह आज महंगी गाड़ियों में घुमा करते हैं। वहीं उनकी नेटवर्थ की बात करें तो आज की तारीख में पवन सिंह की नेटवर्थ 41 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। पवन सिंह भोजपुर जिले के जोखरी गांव के रहने वाले हैं और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पावर स्टार के तौर पर मशहूर हैं। पिछले 25-30 साल से वो भोजपुरी गाने गा रहे हैं और फिर बाद के कई दिनों में कई सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया है। पूरे देश में पवन सिंह का स्टारडम है और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे कलाकारों में उनका नाम शुमार है। पवन सिंह ने भोजपुरी पॉप एल्बमों में सिंगर के तौर पर काम किया। 1997 में उनका पहला एल्बम उढ़निया वाली आया। इसके बाद 2004 में कांच कसैली रिलीज हुआ। 2008 में पवन सिंह ने एल्बम लॉलीपॉप लागेलू को रिलीज किया। सिंगर की पहचान लॉलीपॉप लागेलू से इंटरनेशनल लेवल पर हो गई। इसके बाद 2007 की फिल्म रंगली चुनरिया तोहरे नाम में एक्टर को मेन लीड रोल मिला। भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है। भोजपुरी सॉन्ग्स का नाम आते ही लोगों के दिमाग में पवन सिंह का ख्याल एक बार जरूर आता है। पवन सिंह के लाइफ से जुड़ा ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और एंटरटेनमेंट की दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।